अदिति बेटा, क्या आप इस पेन को, क्या आप इस चाकू के ऊपर मुझे बैलेंस करके दिखा सकते हो? भैया मुश्किल है, पर ट्राई करूंगी। है ना, देखो ट्राई करके देखो, ये लो देखो। अरे गिर गया, ये तो गिर गया, बैलेंस नहीं हो रहा भाई। अरे करके देखो, नहीं हो रहा, देखो मैं करके दिखा लूंगा। तो बेटा इस पेन को इस चाकू के ऊपर बैलेंस करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया है, उसे बाद में मैं आपको सेटअप के पीछे की फिजिक्स भी समझाऊंगा। देखो मैंने क्या किया है ना, मैंने एक छोटा सा तार का टुकड़ा ले लिया है, ठीक है, और इस तार के टुकड़े को मैं इस बोल के अंदर इसे घोंप दूंगा। ये बोल अदिति की है बेटा, बाद में बहुत सुनाने वाली है मुझे ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने इस तार को मैंने इस बोल के अंदर इसे घोंप दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो तार का दूसरा टुकड़ा है ना, इस दूसरे टुकड़े को मैं इस पेन के अंदर डाल दूंगा। बेटा देखो मैंने पेन के अंदर इसे डाल दिया, और अब बारी आती है इसको बैलेंसिंग करने की। देखो तो अगर चाकू की नोक पर अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूं तो अब देखो बैलेंस हो गया ये तो इसके ऊपर। और अब मैं इसे कितना भी हिलाना चाहूं अब ये गिरने वाला नहीं है। क्यों बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जो सेंटर ऑफ मास था सिस्टम का वो यहां कहीं ऊपर लाई कर रहा था, और अब इस बॉल की वजह से वो सेंटर ऑफ मास सरक करके नीचे आ गया है। और ये जो बॉल है ध्यान से आप देखिए तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के हमेशा नीचे ही है, इसीलिए ये कभी भी गिरने वाला नहीं है। देखो बेटा अदिति अभी से हाथ में लेकर देखो, क्या ये गिरता है, क्या देखो नहीं गिरता ना, देखो अदिति ने बैलेंस कर दिया आप तो।